हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज का ब्लॉग होने वाला है, आप सबको थंबनेल से पता चल गया होगा, हमारे फैमिली में एक और बाइक ऐड हो चुकी है जिसका नाम है होंडा हेनिस CB350। तो आपको उसके बारे में बताऊंगा, साथ साथ में ड्राइव करेंगे। हमारे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस, हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं आपको आगे। सीबी आपने देख ली होगी सिनेमैटिक में, ये रही। अभी भैया चलाएंगे, उसके बाद अपन चलाएगा। कैमरा माउंट हमारे भाई के पास पड़ा हुआ है, माउंट नहीं कैमरा पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो अभी देखो, आपको एक बार इसका स्टार्ट वाला साउंड सुनाता हूँ। सुनो तो गाइस, सुनो साउंड। अब तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं होंडा के शोरूम। बाइक की बाइक में नंबर प्लेट लगाएंगे, फिर आगे राइड करेंगे। तो गाइस, हमारे पास आ चुकी है हमारा होंडा हेनिस। तो आज हम ये ड्राइव करेंगे। पहले भी हमने वीडियो डाली है इसकी, होंडा हेनिस 350 की, लेकिन इस बार अपनी है। मतलब हमारी फैमिली में एक और मेंबर जो ऐड हो चुका है वो ये है। अभी आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ इसका, एक मिनट, जो कि कंपनी ने खुद डाला हुआ है। सुनो, देखो ये जो बाइक है ना, ओवरऑल ओके है, मतलब बहुत सही है। इसमें आपको साइड स्टैंड में सेंसर मिल जाएगा, आगे आपको डिजिटल में मीटर्स में सब कुछ बता दिया जाएगा, एवरेज टाइम, कितने किलोमीटर चल सकती है, सब कुछ इसमें ओवरऑल बता देगा। और इसमें वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है, और कंफर्टेबल है। ड्राइविंग सीट पे बैठ के मैं जैसा फील कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो अपने इतनी ड्राइव नहीं की है, जब हम ड्राइव्स में जाएंगे, जो जो हमें प्रॉब्लम, जो जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, वो हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो एग्जॉस्ट सुन के तो आप भी फैन हो चुके होंगे, हमें पता। तो अभी आप देखो ये दूसरा, और इसमें लॉन्ग गियर शिफ्टिंग है, तो उस वजह से थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। वैसे बाकी बाइकों की तरह आपको नहीं गियर डाला, कुछ भी डाला नहीं सकता, तो वो सिस्टम है इसमें। और ये बाइक इतनी मस्त है ना, बहुत अच्छी हाइकिंग है बाइक, बहुत अच्छी हाइकिंग है। हमने वीडियो मैंने नहीं डाली, मेरे पास शायद खड़ी होंगी, पता नहीं टाइम था नहीं था, उस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली। हम एक्चुअली बाइक पे रिसर्च पर कर चुके थे पूरा का पूरा, अपने बजट के हिसाब से 232 की पड़ गई है शायद हमको ये बाइक, और इसमें हमने एक्स्ट्रा ऐसे 229 की है। तो आगे वो गार्ड्स वगैरह लगा के सब खर्चे डाल के तो उतने की बाइक पड़ चुकी है हमें। बाकी आपको पता है आपका भाई रियल व्यू देता है, थोड़ा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसी बाइक है। मतलब मैंने ये बाइक, इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई थी, क्योंकि मुझे राइड पे एक भैया मिल गए थे, उनकी वजह से मेरे को पहले तो मैं हैरान हो गया। मैं ऑलरेडी बाबा का वीडियो बना के आ रहा था अपनी बाइक बुलेट पे लेके, उधमपुर से जम्मू आ रहा था, तो रास्ते में भैया मिल गए थे। तब ये जम्मू में लॉन्च नहीं हुई थी, तब वो भैया ने पंजाब से लाई थी, तब मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि भाई ये बाइक बहुत सही है। और आज अपनी फैमिली में आ चुकी है हमारी, और भी आने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी बाइक पसंद है वो आर बाइक वगैरह नहीं है इतनी खास होकर, तो इसलिए हम आपको यही बता रहे हैं। बाकी ये बाइक तो होती है, तो तुम लोगों को भी एक्सपीरियंस शेयर करके दे रहे हैं, सिटीज का एक्सपीरियंस भी बताएंगे। और कंपनी ने बोला आप 40 तक नहीं जाएगी यहाँ पर, तो देखते हैं क्या सीन रहता है, कैसा सीन रहता है। बाकी हाईवे में तो ये बाप है, अभी हम इसलिए तेज भी चला रहे क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन हाँ गेयरिंग मोटर वगैरह सब ओके है इस बार, मतलब मज़ा आ जाता है गेयर शिफ्टिंग। आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना साथ ही साथ, बाकी बाइक
आपके सामने होगी। जो भी वीडियो होगी मैं अभी शॉर्ट स्टोरी डाल दूंगा, इसकी बनाऊंगा इसके 5 मिनट्स। मुझे अभी तक कोई इसमें नुकसान या कोई भी होता है ना, जैसे कि हाँ भाई ये बाइक है इसमें ये फॉल्ट है इसमें वो फॉल्ट है, ऐसा कोई मुझे फॉल्ट नहीं आया था। तो इसके बाद में अभी तो जस्ट स्टार्ट किया, लेकिन जहाँ तक कि रिसर्च वर्क का शोरूम कम है तो उस वजह से है थोड़ा। वहाँ पर देखते हैं और शो करते हैं अच्छे है भाई। बुलेट के कंपेरिजन अगर आपने करना हो, बुलेट में आज तो हैवी वेट है, वाइब्रेशन है, ये थोड़ी डाउन लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊँचा है। ये हमारी साइकिल बाइक होगी, हमारे नाम से होगी, हमारे भैया हमारे भाई अंकित भाई ने ये बाइक आपके साथ शेयर करना चाहिए। बुलेट का एक्सपीरियंस है, जिसका एक्सपीरियंस में जितना भी अफोर्डेबल जिसका एक्सपीरियंस बुलेट का मिल जाता है, बट मेरे को ये बाइक अच्छी लगी। क्योंकि जब भी आप कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो ना, तो आपको हैवी बाइक नहीं पसंद, थोड़ी लाइट वेट बाइक होनी चाहिए जिसको आप इजीली टर्न भी कर सकते हो, तो मज़ा आना चाहिए। ये इसमें देखो कोई बाइक ऐसी नहीं है जैसे मैं गेमिंग कर रहा हूँ, बुलेट होता है उसमें हैवी फेयरिंग होती है, सब कुछ होता है, उसको बंदा इरीटेट हो जाता है। एक टाइम पर आगे आप लॉन्ग ड्राइव में ना, इसमें आप थक जाओ, तो लॉन्ग ड्राइव अभी